अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग भी सऊदी का जाते हैं हज या उमरे के लिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अलबैक का चिकन ब्रॉस्ट ट्राई ना करें, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ही फेमस चिकन ब्रॉस्ट है। उसमें स्पाइसेस इंजेक्ट की जाती हैं जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पाइसी हो जाता है, और आपको लास्ट बाइट तक बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर मिलता रहता है। सो, अगर आपको उसी मेथड से बना गया चिकन ट्राई करना है तो आप लाहौर में हैनन बन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इस वक्त मैं रायवंड रोड ब्रांच पे जा रही हूँ उनकी। लाहौर में हैनन बन की 2 ब्रांचेस हैं, एक रायवंड रोड पे है और एक जौहर टाउन में। तो मैं रायवंड रोड ब्रांच में आई हूँ, तो मैं इसकी लोकेशन भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग ईज़िली इस लोकेशन पर जा सकें और ये चिकन ट्राई कर सकें। तो मैं इसका मेन्यू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही चीप प्राइसेस हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जो हॉट ड्रिंक्स की जो ऑप्शन है वो सिर्फ रायवंड रोड ब्रांच में अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा देती हूँ कितना क्लीन इन्वायरमेंट है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो किचन है, और मैं आज आप लोगों को इनका किचन भी विज़िट करवाऊँगी और दिखाऊँगी कि ये लोग कैसे बना रहे हैं चिकन और फ्राइज कैसे तैयार होंगी। सो, बहुत ही क्लीन किचन है इनका। जो सबसे पहले बात होती है सफाई की, तो बहुत साफ़ सुथरा है। आप ये लोग चिकन फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये फ्राइज़ जो हैं वो डीप फ्राई करेंगे। इसके अलावा जो ब्रांड्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेन्यू है और सब्रोस है। हैनन बन का ओल्ड नेम रूस्टर्स था, अभी कुछ ही अर्सा पहले ये चेंज हुआ है, हैनन बन नेम हो गया अब इसका। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अलवतनी ब्रोस्ट के नेम से इनका सऊदी अरब में भी रेस्टोरेंट है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ्राइज तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि जो भी आप लोग ऑर्डर करोगे वो आपको बिल्कुल फ्रेशली मिलेगा, लाइक आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये उसी वक्त ही फ्राई करके देंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही मज़े का फ्रेश चिकन और फ्राइज मिलेंगी। जो चिकन हमने ऑर्डर किया था वो भी रेडी हो चुका है, तो जैसे ही निकलता है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा चिकन हमारा रेडी हो चुका है, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा। ऑर्डर हमारा तैयार होके आ चुका है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने मज़े का और क्रिस्पी सा चिकन हमारे पास आ चुका है। इनके जो टिप्स हैं उसके बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। एक ये मस्टर्ड हनी सॉस है और एक ये फेरी सॉस है, और मुझे इनका फेरी सॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और ये फ्राइज़ के साथ बहुत मज़े का लगेगा आपको। बना गया चिकन खोल के भी चेक करवाती हूँ कि किस तरह का है, और अंदर कैसे स्पाइसेस आप लोगों को मिलेंगी वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक इसकी स्पाइसेस हैं, और बहुत ही मज़े का जूसी सा चिकन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ट्राई करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितने मज़े का है।
बहुत ही मज़े का स्पाइसी और यूनिक सा फ्लेवर लगा है मुझे इस चिकन का, ऐसा मैंने पहले कहीं भी नहीं खाया। और आप लोग अगर कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप लोग इसे बन के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मस्टर्ड हनी सॉस के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है। मुझे तो ये चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये चिकन कैसा लगा। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइसेस भी बहुत ही कम है, हर कोई इजीली इसे ट्राई भी कर सकता है। सो मुझे इनका जो फेरी डिप है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है फ्राइज़ के साथ। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं तो LDA सोसाइटी से थोड़ा आगे आपको रॉयल प्लाजा के बिल्कुल ऑपोजिट हैनन बन रायवन रोड वाली ब्रांच मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ साथ किचन टूर भी अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।